दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन की और पिछले वीडियो में हमने जाना था इसी ग्रुप के एक फंक्शन सम के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि किस तरह से हम सम फंक्शन का यूज करते हुए भी एक एरे फॉर्मूला बना के और कंडीशन के बेसिस पे किसी भी डेटा से उनका टोटल निकाल सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इसी सम सीरीज के एक और फंक्शन सम इफ के बारे में, जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है कंडीशन के बेसिस पे सम करने के लिए। इस फंक्शन के क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्या सिंटेक्स है, या फंक्शन काम कैसे करता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों जब हमें एक्सेल में किसी रेंज के अंदर दिए गए वैल्यू को कंडीशन के बेसिस पे टोटल करना होता है, सम करना होता है, तो इसका एक एग्जांपल मैंने पिछली सम फंक्शन की वीडियो में बताया था। जैसे यहाँ दिया गया ये डेटाबेस, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का टोटल वैल्यू चाहिए ईयर 2018 का, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम और दो बार ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद हम जो सम करना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये ईयर 2018 वाला रेंज पूरा, और इसको फिक्स कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारा होगा कंडीशन। तो कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का टोटल चाहिए, तो इंडिया वाला रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे फिक्स करेंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए इंडिया के। तो ये या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या यहाँ इस सेल में दिए गए इस कंट्री नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज किया। चूंकि यह एक एरे फॉर्मूला होने वाला है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल इंटरप्रेस नहीं करना है, यहाँ पे करना है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर तीनों एक साथ और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हर बार यह एरे फॉर्मूला यूज करना काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, खासकर तब जब आप मल्टीपल सेल में एरे फॉर्मूला को इनपुट कर देते हैं और उसमें से किसी एक फॉर्मूला को एडिट करके उसको अल्टरेशन करना होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, तब आप नहीं कर पाते हैं, या गलती से कभी आपने कंट्रोल शिफ्ट इंटर की जगह सिर्फ और सिर्फ इंटर प्रेस कर दिया तो वहां पे ये एरर डिस्प्ले करता है। ऐसे में एक्सेल के अंदर एक फंक्शन पहले से अवेलेबल है जो हमें कंडीशन के बेसिस पे सम करके देता है किसी भी वैल्यू का, और इस फंक्शन का नाम है सम इफ। इसके नाम में ही इफ लगा हुआ है, यानी सम तभी करे जब हमारा लॉजिक ट्रू हो, कंडीशन मैच हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम इफ। अब एक्सेल इसके बारे में क्या कहता है कि एट द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी सेल को ऐड करो या उसके अंदर दिए गए वैल्यू को ऐड करो जब कंडीशन या क्राइटेरिया मैच हो। जैसे मैं इस रेंज के अंदर में इंडिया को ढूंढ रहा हूँ और वो मिल जाए तो उसकी सारी वैल्यू का टोटल हमें यहाँ पे दिखा दे, चाहे वो जितनी बार हो इस डेटा टेबल में। तो हम जाते हैं इस फंक्शन के अंदर और यहाँ कुल तीन आर्गुमेंट है, रेंज, क्राइटेरिया या कंडीशन और लास्ट में सम रेंज, जिसमें लास्ट वाला ऑप्शनल है। तो यहाँ आपको देना है रेंज, इसका पहला आर्गुमेंट जो है। अब ये रेंज क्या है, तो वो रेंज जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया या कंडीशन मिलेगा। जैसे मैं इंडिया को ढूंढ रहा हूँ, जो मेरा क्राइटेरिया है, और वो मुझे मिलेगा कहाँ, इस डेटा टेबल के इस वाले रेंज में। इसके बाद हमें देना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इस सेल में दिया गया ये नेम हो गया, और लास्ट में सम रेंज। तो मैं इंडिया को सर्च कर रहा था इस डेटाबेस के अंदर दिए गए इस रेंज में, और जब वो मुझे मिल जाए तो हमें सम करना है उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू इस 2018 के अंदर जो आएगा उसको। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि रेंज जो आपने पहला आर्गुमेंट दिया है और सम रेंज जो लास्ट वाला आर्गुमेंट है, दोनों का रेंज सिलेक्शन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रेंज को A2 से लेकर A20 तक सिलेक्ट किया और सम रेंज को आपने B1 से लेकर B20 तक सिलेक्ट कर लिया। अगर आप रेंज A2 से A20 तक ले रहे हैं तो सम रेंज भी आपको B2 से उसी के पैरेलल आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद करना है ओके और रिजल्ट आपके सामने है। एक बार क्विकली इस फंक्शन को फिर से लगा के देखते हैं। अब की बार मैं जापान के लिए यहाँ पे उसका टोटल लेके आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले देंगे अपना क्राइटेरिया रेंज, तो इस कंट्री वाले रेंज को सिलेक्ट किया, फिक्स किया, कॉमा, अब हमारा होगा क्राइटेरिया, तो इसके लिए मैं इस कंट्री के नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, और लास्ट में देना है सम रेंज, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिक्स किया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो हमें जापान का टोटल यहाँ पे मिल रहा है ईयर 2018 का। अब मान लीजिए कि इस फॉर्मूले के अंदर यूज किए गए किसी एक रेंज को चेंज कर दूं और इसके बाद करें इंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट गलत आ रहा है।
इसलिए आप इन बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का रेंज बराबर ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप हेडर से सिलेक्ट कर रहे हैं क्राइटेरिया रेंज को, तो आपका सम रेंज भी हेडर से ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस फंक्शन के क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं और इसे यूज कैसे करना है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि सम रेंज को ऑप्शनल दिया गया है, यानी ये मैंडेटरी आर्गुमेंट नहीं है। अगर आप सम रेंज नहीं भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही फंक्शन का पहला आर्गुमेंट रेंज, जिसमें हम कंडीशन या क्राइटेरिया का रेंज इनपुट करते हैं, उसका नेम रेंज ही क्यों है? इसका नाम क्राइटेरिया या कंडीशन रेंज भी हो सकता था। तो मैं यहां आपको बता दूं कि रेंज में आप क्राइटेरिया के साथ साथ सम रेंज को भी पास कर सकते हैं, और यही कारण है कि सम रेंज जो कि लास्ट आर्गुमेंट है उसे ऑप्शनल ही रखा गया है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि अगर इसके अंदर हम सम रेंज का यूज ना करें तब भी हमारा रिजल्ट कैसे आता है। अब मान लीजिए कि आपको इस डेटाबेस के अंदर से ग्रेटर देन 40 वाले जो भी वैल्यू हैं उनका टोटल निकालना है, यानी 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, यानी कि जो भी 40 से ऊपर हैं उन सब का टोटल एडिशन आपको चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे इस वाले रेंज को और इसके अंदर सिर्फ रो को फिक्स करेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे और इसके बाद है हमारा क्राइटेरिया। तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 40 इनपुट कर दीजिए या किसी सेल के अंदर दिए गए क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इसमें हम कॉलम को फिक्स करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहाँ रिजल्ट मिला 135। इस रेंज के अंदर 40 से ऊपर सिर्फ तीन वैल्यू हैं और वो तीनों 45 हैं और इनका जो टोटल होगा वो 135 ही होगा। मान लीजिए किसी सेल में एक और वैल्यू इनपुट कर देते हैं नंबर 50, तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है, यानी कि जो भी 40 से ऊपर वाले वैल्यू हैं उनका टोटल लेकर आ रहा है। अब यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो 40 से ऊपर जो भी वैल्यू हैं इन सभी इयर्स के लिए उनका टोटल यहाँ पे आ रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी का। मान लीजिए इस पूरे रेंज के अंदर जितने भी 40 से ऊपर वाले वैल्यू हैं उनका टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आया तो हम इन तीनों का सम भी कर सकते हैं, लेकिन हम सम नहीं करना चाहते, हम इसके अंदर से सारे वैल्यू का टोटल लेकर आना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा काम हमें करना है, मैंने इस एफएक्स पे क्लिक करके इस फंक्शन के आर्गुमेंट में गया और यहाँ पे जो मैंने एक रेंज को सिलेक्ट कर रखा है, एक ईयर का रेंज सिलेक्ट कर रखा है, उसकी जगह मैं पूरे इस रेंज को इसके अंदर सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद कर देंगे ओके। तो आपको इस टोटल रेंज में से जो भी वैल्यू 40 से ऊपर होंगे उनका टोटल यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे लेस देन 20 वाले वैल्यू का टोटल चाहिए तो इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लेस देन 20, तो उनका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि बिना सम रेंज वाले आर्गुमेंट का यूज किए भी हम डेटा का टोटल कर सकते हैं कंडीशन के बेस पे, लेकिन यह सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपका सम वाला रेंज और क्राइटेरिया या कंडीशन रेंज दोनों सेम हो और वो नंबर हो। अब लास्ट में एक बात और, अगर आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर तो उसको भी आप इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस डेटाबेस के अंदर से उसका टोटल चाहिए, उसका सम चाहिए जिसका कंट्री नेम आई से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई से स्टार्ट होने वाले दो ही कंट्री हैं, इंडिया और ईरान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ और सबसे पहले होगा हमारा रेंज यानी क्राइटेरिया रेंज, इसके लिए मैंने इस कंट्री को सिलेक्ट किया और फिक्स कर दिया, कॉमा, इसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया। तो इसके लिए मैं इस बगल वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी पे मैं अपना क्राइटेरिया इनपुट करूंगा, कॉमा, और लास्ट में हम लेंगे सम रेंज और इसको फिक्स करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर रिजल्ट जीरो आ रहा है क्योंकि हमने क्राइटेरिया वाला सेल अभी ब्लैंक रखा है। तो मैं इस वाले सेल में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आई स्टार। वैसे ही मान लीजिए कि अगर हमें जी से शुरू होने वाले कंट्री का टोटल चाहिए तो यहाँ पे हम जी और उसके साथ स्टार लगा देंगे और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सिर्फ चार कैरेक्टर वाले कंट्री का ही टोटल यहाँ पे लाना है तो उसके लिए हम 4 टाइम क्वेश्चन मार्क इनपुट कर देंगे और इस फंक्शन को हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो उनका टोटल आ जाएगा। अगर हमें 6 या उससे ज्यादा कैरेक्टर वाले कंट्री का टोटल चाहिए तो यहाँ पे इनपुट करेंगे 6 टाइम क्वेश्चन मार्क, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके साथ एस्टरिस्क साइन भी इनपुट कर देंगे और इस तरह यहाँ पे 6 या उससे ज्यादा कैरेक्टर वाले कंट्री नेम जो भी होंगे उनका टोटल आ जाएगा। तो इस तरह यह सम इफ फंक्शन कंडीशन के आधार पर आपको किसी भी रेंज से
टोटल वैल्यू का एडिशन निकाल कर देता है। लेकिन इस फंक्शन की एक लिमिटेशन है, और वो ये कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन को आप इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे टोटल लाना हो, उनका सम करना हो, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज करते हैं सम इफ्स फंक्शन, जिसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको इस सम इफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप सम इफ्स को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आप इस फंक्शन को प्रैक्टिस करिए। यह प्रैक्टिस फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम सीरीज के एक और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।